हे गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही यूनिक डिश और जो कि बनने वाली है लहसुन के पत्तों से। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन गार्लिक क्रिस्पी चीला, जिसके लिए हमने लिया है आधा किलो देशी लहसुन के पत्ते। आजकल जो मार्केट में सर्दियों में पत्ते मिलते हैं उसमें साबुत लहसुन भी लगी रहती है, आप वो पत्ते भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन पत्तों को धो लेंगे और धो करके इसे बारीक काट लेंगे। हमने लहसुन के पत्ते को काट लिया है और साथ ही हमने लिया है 7 से 8 हरी मिर्च, थोड़ा सा लिया है हमने हरा धनिया, थोड़ा सा लिया है मेथी की भाजी और थोड़ा सा लिया है हमने कड़ी पत्ता। तो इस सारी सामग्रियों को जब मिला के हम इसको जब इसका चीला बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अब हम रख लेंगे एक मिक्सी का जार जिसमें हम सारी सामग्रियों को डाल के पीस लेंगे, इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और पानी डाल के इसका फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने लहसुन के पत्ते, हरा धनिया, मेथी, हरी मिर्च को फाइन पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, ये करीबन हमने 2 चम्मच नमक लिया है। इसमें 1 चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी हम उसमें हरी मिर्च डाले हैं इसलिए लाल मिर्च की मात्रा थोड़ी कम रखेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच गरम मसाला या फिर जीरा पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। इन सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमने लिया है 1 बाउल चावल का आटा। तो जो चावल का आटा है इसमें हम धीरे धीरे करके डालेंगे, हम एक साथ नहीं डालेंगे। जितनी हमें चावल के आटे की ज़रूरत होगी इस मिक्सचर को गाढ़ा करने के लिए तो उतना ही डालेंगे हम। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा वाइट नहीं करना है, इसके जो कलर है ग्रीन कलर को बरकरार रखना है। थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें चावल का आटा मिक्स करना है। चाहे तो आप चावल जो साबुत चावल होते हैं उसे आप 2 घंटे भिगो करके उसका पेस्ट बना के भी, उसे पीस करके उसका पेस्ट बना करके भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो इसमें इसको मिक्स कर देते हैं। चावल के आटे से एक तो इसमें बाइंडिंग आ जाएगी और जो हमारे चीले हैं वो एकदम क्रिस्पी बन जाएंगे। जो अभी सीज़न है सर्दियों का और सर्दी के सीज़न में जो लहसुन के पत्ते होते हैं हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को गर्म रखते हैं और टेस्ट तो आप पूछिए मत, इतना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। इस तरह से हम चावल का आटा इसमें मिक्स कर देंगे। करीबन हमें इतने आटे में 1 बाउल चावल का आटा लग गया है और हमें इसकी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल ऐसे रखना है। हमारा लहसुन की चिल्ली का बैटर बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। हमारे बैटर ने 5 मिनट रेस्ट कर लिया है। अब गैस पर रखते एक तवा और तवे को कर देते हैं ऑयल से ग्रीस। तवे को हमने ग्रीस कर लिया है। अब इस पर डालेंगे हम 1 चम्मच चीले का बैटर और जो हमारा गैस का फ्लेम है बिल्कुल स्लो रखेंगे और इसका चीला बना के, पतला सा चीला बना के तैयार कर लेंगे। ये तवे पर हमने चीले को फैला दिया है। अब हम इस पर ढक्कन ढाक देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकने देते हैं ताकि जो हमारे चीले अच्छी तरीके से पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। ये चीले को हमने 3 से 4 मिनट तक पका लिया है और हमारा चीला एक साइड से अच्छे से पक गया है। अब हम इस पर लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल। और इसे दूसरे साइड से भी पलट करके पका लेंगे ताकि जो दूसरी साइड से भी हमारा चीला काफ़ी अच्छे तरीके से पक जाए। जब पलट देते हैं और इसे 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं और इसे क्रिस्पी होने देते हैं।
ये देखिए हमारा चीला जो है दूसरे साइड से भी काफ़ी अच्छे तरीके से पक गया है। इस तरह से हम अपने सारे चीले बना के तैयार कर लेंगे। देखिए जो हमारा चीला है कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। इस तरह से हम अपने सारे चीले बना के तैयार कर लेंगे।